दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर से आपको रूबरू करते चले आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महिला के साथ कथित अनुचित दशा में पाए जाने वाले वकील डीआर शांतन कृष्ण को निलंबित कर दिया है। वकील की अमर्यादित वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता ने अदालत में हुई घटना को लेकर कहा, अदालती कार्रवाई के दौरान इस तरह की बेशरम अश्लीलता को अदालत मूक दर्शक की तरह नहीं देख सकती। वही आपको बता दें कि अब वकील की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक काउंसिल ने कार्रवाई पूरी करने तक डीआर शांतन कृष्ण को देश की सभी अदालतों में वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वीडियो के मुताबिक सोमवार को जब एकल जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, तब वकील डीआर शांतन कृष्ण एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे। यह वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया था। जज पीएन प्रकाश और आर हेमलता ने पुलिस की सीबीसीआईडी विंग को मामला दर्ज करने व मामले की गहन जांच करने और 23 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायाधीशों ने तमिलनाडु बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। महिला के साथ अतरंग मुद्रा में वकील के वायरल वीडियो पर मंगलवार को अदालत ने कहा था कि अदालत इस तरह की कार्रवाई पर मूक दर्शक बनकर जोखिम नहीं उठा सकती। वही वीडियो के तेजी से वायरल होने को लेकर चेन्नई पुलिस कमिश्नर को वीडियो के सर्कुलेशन को रुकवाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि इसे इंटरनेट से भी हटाया जाए। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर खुद मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के लॉयर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।